भारत का एक टापू जो दुनिया से बेहद अलग है, मॉडर्नाइजेशन के साए से बहुत दूर है। यहां पर रहने वाले लोग एक वनवासी की तरह जिंदगी बिताते हैं। यहां पर ना फेसबुक है ना व्हाट्सएप, फिर भी ये लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहां पर कभी भी कोई बीमार नहीं पड़ता क्योंकि ये लोग साफ सुथरे वातावरण में जीते हैं। यहां बसे इंसानों में लालच नहीं है क्योंकि ये लोग पैसों से अनजान है। तो आइए देखते हैं अंडमान निकोबार की ये अलग दुनिया। 1 जनवरी 2017, पोर्ट ब्लेयर। इस टापू पर रहने वाले इंसान ना तो हिंदी जानते हैं और ना ही कोई दूसरी भाषा। इनकी अपनी एक अलग भाषा है जिसे आम इंसान नहीं समझ सकते। ये वनवासी जो सदियों से इस टापू पर अपना बसेरा किए हुए हैं, आज उन्हें किसी की नजर लग गई है। इनके कबीले पर हमला किया जा रहा है और उन्हें कैद किया जा रहा है। इन्हीं वनवासियों में से एक का नाम है जारा। जारा, जारा, हो सकता है तुम्हें मेरी जुबान समझ में ना आए, लेकिन मुझे माफ कर देना। मैं ये सब रोक नहीं पाया। अगर तुम नहीं होते तो मेरी बेटी जिंदा नहीं होती। ये लोग कबीले वालों को साथ ले जा रहे हैं, हो सकता है इनका कत्ल कर दें, इसलिए तुम्हारा बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुम बच गए तभी इन्हें बचा पाओगे। इसे छिपा लो, पकड़ो, ये भी लो। समय, 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 जारा, 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 माया, माया, जारा, हो माला, होगो, ए, चलो, चलो, चलो निकले यहाँ से, ए, यहाँ पर मत सो, जगह खाली कर। जाली किसने काटी? कौन भागा यहाँ से? इधर से कोई भाग गया है? ढूंढो, देखो कहाँ गया वो? जारा। रमेश मियां, बराबर साफ कीजिए। कर तो रहा हूँ। अंधा नहीं हूँ मैं, समझे? हाँ हाँ सर, करता हूँ, नहीं तो 2 दिन की तनख्वाह गई। समझ में आया? हाँ ठीक है। ओ खान सामे, क्या कर रहे हो? इतना तेल डालोगे तो मेरा तेल निकल जाएगा। ठीक है सर, मेम साहब को उठाने का टाइम हो गया, कॉफी ले जाओ उनके लिए, जल्दी करो। गुड मॉर्निंग अंकल। अरे क्या है बेटा, सुबह के 10 बज गए हैं, अब तो जाग जाओ। कब पे दाग? माफ कर दीजिए मैडम। भीम साहब उठ गई। सुनो सब, एक गर्मा गर्म कॉफी और गमला ले जाओ। गुड मॉर्निंग मैम साहब, आज के खास पकवान में है नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इंटरकॉन्टिनेंटल, वेस्ट अमेरिका, ईस्ट अमेरिका, इटालियन और टकोलम। टकोलम? हाँ, मैंने टमाटर के अंदर मशरूम मिलाया है। मैडम आप क्या खाएंगी? नॉर्थ अमेरिकन। चपड़ गंजू, ओनली नॉर्थ अमेरिकन। बाकी लोग आप, मैडम के लिए शुद्ध नॉर्थ अमेरिका का नाश्ता। माफ कीजिएगा मैम साहब, रमेश अपनी बेटी की शादी करवा रहा है, उसे 50,000 का लोन और 10 दिन की छुट्टी चाहिए। इसकी बेटी की शादी है ना? जी। इसकी शादी तो नहीं है, छुट्टी की जरूरत नहीं है, इसे 10 लाख रुपए कैश दे दो।
मेम साहब में तो कोई जज्बात ही नहीं है। क्या है कि मेम साहब बचपन से यतीम रही हैं। पिता के मरने के बाद सारी जायदाद इनकी हो गई। इनकी परवरिश इनके पिता के दोस्त ने बड़े नाजों से की है। अब जिसका कोई रिश्तेदार ही नहीं वो खाक समझेगी रिश्ते के बारे में। लेकिन मेरी बेटी की शादी है। तुमने 50 मांगे तुम्हें 10 लाख मिले, इतने में तो पूरे मोहल्ले की शादी हो जाएगी। तुम काहे के लिए चिंता कर रहे हो? छुट्टी चाहिए। अरे कहां मर गए सब लोग, मुझे भूख लगी है। ब्रेकफास्ट काव्या बेटा रुको रुको काव्या। अरे चाचा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। काव्या एक बार मेरी बात तो सुन लो। रुक जाओ। अरे छोड़ो मुझे, वो मेरी रिश्तेदार है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मैदान हमारा इंतजार कर रहा है। फिर से हारना है? मैं गलतियां दोहराता नहीं। देखना इस बार मैं। तुम ही हारने वाले हो, like always. वो वक्त बताएगा। Good shot! क्या बात है, ये हुई ना बात। शुक्रिया अंकल। देखो तुम मेरे बेटे हो, पर तारीफ हमेशा इसकी ही करूंगा। लाइफ में हमेशा टॉप पे रहना, जीतना सीख लो बेटा, काव्या की तरह। अगर इसने मुझे बेईमानी से भी हराया ना तो आप इसी की तरफदारी करेंगे, सही कहा ना? ऐसा है तो हरा के दिखाओ। ये हुई ना बात बेटा। ओ, एक गेम और, चलो। अरे रुको रुको रुको, एक मिनट पहले इधर आओ। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मुझे तुम्हारे दस्तखत चाहिए। ओफो अंकल, आप ही साइनिंग अथॉरिटी बन जाइए। ये सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारे पिता के दोस्त होने के नाते तुम्हारी, और इस बिजनेस की देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी। असल में मालकिन तो तुम ही हो, और इसलिए। ओके अंकल, आपसे बातों में कौन जीत सकता है? दस्तखत कहाँ करूँ? क्या, माफ कीजिए सर, एक मुश्किल आन पड़ी है। क्या हो गया? मेम साहब नया साल मनाने के लिए बोरा बोरा जा रही थी, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत आ गई। और कैसी दिक्कत? वीजा नहीं मिल रहा, एम्बेसी ने पासपोर्ट रोक लिया है। दोस्तों को प्रॉमिस कर चुकी हूँ मैं, सब लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे। अच्छा बताओ मैं क्या करूँ? कुछ भी करके आइलैंड खरीद लीजिए। हाँ वो ठीक है, पर वो बिकना भी तो चाहिए। अरे पूरी दुनिया में बोरा बोरा से भी अच्छी जगह है। वो तो होंगी डैड, फिर भी वीजा तो लेना पड़ेगा ना। अंडमान बहुत ही नायाब जगह है, और सबसे बड़ी बात वहां तुम्हारी प्रॉपर्टी है। देखो बेटा, बोरा बोरा जाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। देखो अपने अंकल की बात मानो और मुझ पर यकीन करो। अंकल विकी मेरे साथ आ सकता है क्या? ये नहीं आएगा तो मैं बोर हो जाऊंगी, उसके बाद ये सीधा आपके पास अमेरिका आ जाएगा। मान जाइए, कितनी खूबसूरत जगह है ये। ओह वाओ, वो देखो। शुक्रिया। आ जाओ। चलो। फिर मिलेंगे। अरे आगे तो घना जंगल है, हम लोग वापस चलते हैं भाई। ए, इतना डरपोक मत बन, थोड़ा जिगरा दिखाना। कोई जानवर सामने आ गया तो? तू भी तो जानवर है। यहाँ पर तो पुलिस है। काव्या गाड़ी रोको। अच्छा जल्दी जा। अरे देखो, अरे ये क्या करने की सोच रहा है? चलो चलो चलो। अरे कोई नहीं रुकेगा। चलो 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 चलो। आगे कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, खतरा आगे। पुलिस पुलिस, चलो चलो निकलो। उधर देखो। जी साहब। जल्दी बैठो बैठो बैठ गए। जल्दी जल्दी बैठो, दरवाजा बंद करो, घंटे से पहले हम निकल जाते हैं। चलो चलो। अरे जा रही हूँ ना, जंगल है, हाईवे नहीं है। अरे पीछे देखते रहो। अरे वो कौन था? मैंने कहा था जंगल में नहीं जाते। तो नहीं ठोक दिया ना? नहीं। ये अरे ये तो आदिवासी है। ये क्या? ए, इसके सर पे तो गहरी चोट आई है, इसे होश आने से पहले निकलते हैं। चलो। नहीं विकी, हम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते।
इसे हॉस्पिटल ले चलो। इस मुसीबत को ही छोड़ो, रिस्क है। मालूम है किसका एक्सीडेंट किया है? एक वनवासी का। गैर कानूनी तरीके से तुम इनके इलाके में घुसे हो गया सर, जानबूझ के नहीं किया है। जानबूझ कर नहीं किया मतलब इसे गहरी चोट लगी है और ये बेहोश है। यहाँ आसपास कोई बड़ा अस्पताल भी नहीं है। अगर इसे कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस मुश्किल से कैसे निकले? इसे बहुत जल्द बड़े शहर के हॉस्पिटल चेन्नई या दिल्ली लेकर जाओ और वहाँ अच्छी तरह से इसका इलाज करवाओ। सब लोग दुआ करो कि ये बच जाए। चलो इसे आराम से उतारना। आराम से। ए, ये तो मेरी शर्ट है। कैदियों वाले कपड़े चलेंगे तुझे? मत बोल। क्या? चेन्नई जाना है, हमें 6 टिकट्स चाहिए। नाम बताओ। काव्या, अनीता, अंकिता, अर्जुन, विकी। मुझ पे रहम करके थोड़ा आराम से बोलोगी? बोलो। छठा कौन है? गाँव वासी। जी वासी। हाँ हाँ हाँ, यही है वो लाल पगड़ी में जो बैठा है वो। पगड़ी? हाँ आपने सही कहा, गब्बर सिंह। पैसे दो। नहीं यहाँ कार्ड वार्ड नहीं चलता है, पैसे दो। विकी मेरे पास नहीं है। कैश है? 50,000 हमारे होते हुए कभी आज तक पैसे लाए हैं क्या? मैडम सुनिए, आप मेरा कीमती वक्त जाया कर रही हैं। पैसे नहीं है तो टिकट नहीं मिलेगी। तो दिरहम है तो दे देना उनको। अरे ये सिर्फ दुबई में चलता है यार। पैसे के बदले अंगूठी ले लीजिए। कितने की होगी ये? तकरीबन 30 लाख। बेबी को तोहफे में दूंगा तो खुश हो जाएगी। यही रुकना। अरे याद आया, मम्मी ने कहा था उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना है, मुझे इस वक्त जाना होगा। ओके बाय। मुझे एक जरूरी काम है तो मैं बाद में मिलती हूँ। वो जरूरी काम मैं ही पूरा करूंगा, बाय। अचानक कौन सा काम याद आ गया तुमको? वो वनवासी मरीज के साथ कौन आया है, उसकी हालत खराब हो रही है। बाय बाय। काव्या तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जो हुआ है उसे भूल जाओ। मैं वापस आके मिलता हूं, अपना ख्याल रखना। मेरे बाथरूम में क्यों ना आ रहे हो? पानी गीला है कि नहीं इसी की जांच कर रहा था मैं। सब जी। एक नंबर का गधा है ये। बाकी सारा स्टाफ का है? आप 10 दिनों की छुट्टी में गई थी ना, इसलिए छुट्टी दे दी नौकरों को। मुझे इत्तला नहीं कर सकते थे? आपने भी तो नहीं किया। गधे। शुक्रिया। खाना बनाना आता है? खाना बनाना? बचपन से लेके आज तक मैं ही तो आपको अलग अलग पकवान खिलाया करता था, इतनी जल्दी भूल गए? ओके। हेलो, ये फोर्टिस हॉस्पिटल है? हाँ। मैं सुबह एक मरीज को लेकर आई थी आपके यहाँ, क्या मैं जान सकती हूँ उसकी हालत कैसी है? उनका एक्सीडेंट? क्या आप उनकी रिश्तेदार बोल रही है? हाँ। उसे आपने इतनी बुरी हालत में अकेला छोड़ दिया और अब फोन कर रही है? उसे कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन? उसे ले जाइए। हेलो हेलो हेलो। आगे मत जाइएगा, उसके सर पे गहरी चोट लगी है।
है, अपनी याददाश्त खो बैठा है। आप यहाँ से चली जाइए। पांडे, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? यहाँ एम्बुलेंस क्यों आई थी? आपने किसी को अस्पताल दाखिल कराया था, उसने बात तोड़फोड़ कर दी है। उन्होंने उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया और यहाँ फेंक दिया। पता कैसे मिला? मुझे क्या पता। इस घर से किसी ने अस्पताल में फोन किया और उसका हाल चाल पूछा। जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरे ख्याल के अंदर यही ख्याल आता है कि मैंने फोन नहीं किया और इसी ख्याल में फोन आपने किया है। मेरा ख्याल सही है? देखा मेरा दिमाग, मेरे दिमाग का पेज जो कहता है, एक पेज के साथ दूसरे पेज को जोड़ता है, इसलिए मेरा पेज सही निकला। एक नंबर के इडियट हो तुम। ये क्या बोल दिया? जो कहना है आप हमारी भाषा में बोलिए, दूसरी भाषा में नहीं। मैं तुम्हें दरखास्त कर दूंगी। मुझे दरखास्त? इतनी साल की सर्विस कार्ड कहाँ है? वो कमरे में। किसके कमरे में है? अपने वाले में। मालूम है ये कौन है? बताइए। उठेगा तो पता है क्या होगा? क्या होगा? ये जंगली है, एक बार उठ गया ना तो पूरा घर सर पे उठा लेगा। चार पांच मुश्तंडे लेकर आओ और इसे बाहर फिकवा दो। भाड़े के आदमी लाने का मतलब आप मुझे कमजोर समझ रही हैं मैडम। मेरा नाम है डांडा, कुंग फू डांडा, डांडा रिटर्न। बचपन में मैंने भालू के दांत निकाले थे, दांत मिक्सी में डालकर अपने दांतों पे मला था। बोलने से पहले सोचा करो। तो ये बात अब तक क्यों छुपाई? राज है, राज को राज रहने दो। मुझ जैसा जाबाज आपको मशाल जलाने और खोपड़ी चलाने से भी नहीं मिलेगा। आप कटिए, मैं चलता हूँ। हेलो हेलो अंकिता, तुम्हें पता है वो गांव वासी था ना, उसने हॉस्पिटल में। काव्या, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा और बैटरी भी कम है। अंकिता, आवाज आ रही है? हेलो अंकिता। हेलो काव्या, अरे मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, अभी अभी मैंने दवाई खाई है, कल सुबह बात करता हूँ। ओके बाय। क्या हुआ? अरे सवाल मत कीजिए, मेरा पीछा कीजिए। अरे बोलो तो। मेरा पीछा कीजिए। दरवाजा तो बंद है, तो चिल्ला क्यों रहे हो? सिर्फ दरवाजा बंद है, ये देखिए दीवार उखड़ गई है। कहाँ गया? मुझे क्या मालूम, कहीं हल्का होने बाहर तो नहीं चला गया। अचानक कहाँ जा सकता है? मुझे बता के थोड़ी गया है, कल जो किससे सुना रहा था मैं आपको, वो सुन के शायद डर के भाग गया। पांडे पांडे, दिखा दो अपनी बहादुरी। कम ऑन पांडे, हमला करो। क्या कर रहे हो? चल तू चला, तू आ मेरा को डाल दे। नींद के हाक रहे थे, जल्दी आओ, हमला करो। हम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते। आइए पांडे, आओ ना, इसे हॉस्पिटल ले चलो। आ जाइए, जल्दी आइए, जल्दी, दौर बंद हो गई। आ जाइए, आइए आइए जल्दी, मुझे देख लूंगा। चलो चलो चलो, बंद करो। आपको क्या हो गया था, क्यों खड़ी थी वहाँ पे? कल तो बहादुरी की किस्से सुना रहे थे, इसके सामने सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। हाँ, जो आपसे कहा वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये मोगली नहीं है, ये जंगली मानव है। मोबाइल उठा रहा है, मर गए रे। मोबाइल, मेरा फोन या पानी में। पागल कहीं के? अरे तुम्हारा तलाक नहीं है ये? अरे ए घुटा, क्या है तेरे ऐसे भौतों को घुरा है? उधर से भाग, मैं इधर से भागता हूँ। अब क्या करें? फिक्र मत कीजिए, सारे खिड़की दरवाजे बंद हैं। बार बार यही देख रहा है, मुझे घर से निकाल दो। देखिए मेम साहब, मैं ऐसे लोगों के मुंह बिल्कुल नहीं लगता। मुझसे लड़वाना है तो खुले मैदान में बुलाओ। पांडे, मैं किसी से नहीं डरता, कहा ना? हम तो देखिए। एक मानव घर के आधे अंदर, आधी मानव कहा रहा है। नहीं, नहीं, नहीं। Hey!
ये तो सब कुछ खा रहा है, कुछ नहीं छोड़ रहा। दांत पे दर्द नहीं हो रहा, कुछ ऐसे चबा जाता। घास फूस सब सब्जी पी गया, तेल खा गया। अभी बनाऊंगा कैसे खाना, याद आया मुझे अपना नाना बनाऊंगा। नौकरी है तो बनाना पड़ेगा। क्या अरे उधर कहाँ गए? वो उखड़ी हुई दीवार दिखाई नहीं दी। जहाँ से जाना है जा मेरे बाप जा। ये तो सच में टार्जन का दादा है। लोग जंगल से छोटी चिड़िया विड़िया लेके आते, ये तो शेर लेके आ गई। पांडे क्या हुआ? पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कोई दवा दे दो ना। पेट में दर्द की वजह है पेट में खाना ना जाना। पता चला भूख क्या होती है, जरा दिमाग पे जोर डालिए। 40-50 लोगों का खाना आप कचरे में फेंकवाती थी। मेम साहब ये जल्दी जल्दी पी लीजिए, नहीं तो ये आधी मानव पी जाएगा। उसे भूख सहन नहीं हो रही है, आने दो उसे। जल्दी पी जाइए नहीं तो आ जाएगा। अब समझ गया मैं मेम साहब, ये सच में जंगल से आया है। अगर ये आम इंसान होता तो खाना बचा के रखता। आई अकेले ही पियेंगे। टीवी का शेर असली लग रहा है। नहीं रे नकली है। बेबी की रूपी की सुली की नाली की सारी की कुली की हो नारी की बुरी की धुरी की मुरी की सुली की गिरी की यो। कितने लोग थे? लगभग 5 लोग होंगे। उनका नाम पता जानते हो? मैं उनके नाम तो नहीं जानता, पर मैंने उन्हें हिदायत दी थी कि उस जख्मी वनवासी का इलाज चेन्नई या दिल्ली में करवाएं। चुप। सोने भी नहीं दे रहा। उल्लू की तरह नींद नहीं आती उल्लू? मुझे डिस्टर्ब मत किया कर, समझा? मैं कच्ची नींद वाला नहीं हूँ, कच्चा पहन के सोता हूँ, समझ गया तू? डरा मत, डरा मत। उल्लू बाबा, हाय उल्लू बाबू, बंद कर दिया दरवाजा। यार जंगली मुर्गा उड़ गया। ट्रेनिंग से जानवरों को काबू में ला सकते हैं। ये लीजिए, इस राक्षस की बची हुई झाड़ पत्तियां लेके आया हूँ। पांडे,
दरवाजे के पास खड़े हो जाओ, जैसे इशारा करूं खोल देना। आपका नौकर हूँ, जो बोलेंगी वही करूंगा। आपका हुक्म सर, आंख पर। तैयार है ना? बंदर ने झूलना शुरू कर दिया, पता नहीं क्या उतरेगा। अब खोलो। खोल दिया। अब रुको। नहीं, रुक जाओ, उठो, खड़े हो जाओ, जाओ जाओ यहाँ से। ओए, इतना आसान है, अभी इसे काबू में लाता हूँ। देखिए अब ये मेरा गुलाम बनेगा। जाओ यहाँ। अरे सुन गुलाम, अब बैठ जा। कहाँ ना भाई, आई आई कहाँ गया? नहीं जा, जा वो पीछे खड़े हो जाओ। अरे जनाब देख के बाद ये। शांत हो जाओ, लाओ मुझे दो। हाँ सब ठीक है। हाँ आराम से शांत रहो। हाँ सब कुछ ठीक है। हाँ मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, डरने की कोई जरूरत नहीं है। गुस्सा छोड़ो, अब जाओ। हाँ तुम जाओ, वहाँ जाओ, जाओ। वासी, बॉल लाओ, कूदो। हाँ मेरे पास लाओ, आओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा किया तुमने। लेकर आओ, जाओ। हाँ बहुत अच्छे। अब ये जानवरों में से इंसानों में शुमार हो गया। अरे ये क्या कर रहे हो? पहने रहो। आ जाओ। वहाँ देखो पेड़ पर कितने गोरिल्ला हैं। क्या हुआ? आओ ना। अब मत करो। ए, कौन है तू? घर में कैसे घुसा है? कौन है तू? अरे पहले नहीं चला। अरे क्यों था? घर में आ गया। अरे क्या बात है तू? ऊपर से कूदता है। रुको रुको रुको। वासी, रुक जाओ। गुस्सा नहीं। शांत हो जाओ। पागल, निकल यहाँ से। चल निकल। वासी वासी नहीं, माफ कीजिए। लेके जाओ इस पागल को। वासी ए कल रानी फिर से बिठो पानी। वहां का सामान यहां लाओ। जी साहब। और ऊपर वाले नीचे चले जाओ। वासी एक मिनट यहां आना। ऊपर जाओ जल्दी। ले लो लेकिन मार ना। लाओ मुझे दो। नौकरी है या गुलामी? वाह क्या निशाना है। दोपहर के 12 बजे बोला था आने के लिए, सुबह के 8 बज चुके हैं। कहाँ पे हो? जल्दी आओ। देखो मैं इंतजार। मैं क्या रे? फोन 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 फोन। कौन 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 कौन? पेन 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 पेन। ए बल्ब बल्ब बल्ब। काव्या
काव्या। मैडम 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 काव्या वासी काव्या पेड़ पे पे दिल दिल काव्या तुमने एक बार भी फोन नहीं किया, ऐसे कौन से काम में फंस गई थी? बहुत लंबी कहानी है, सब बताती हूँ। और वो उस आदिवासी का क्या हुआ, जिंदा है या ऊपर वाले को प्यारा हो गया? तो फिर कहाँ है वासी? वासी विकी, ओवर रिएक्ट कर। इसे घर पे क्यों रखा हुआ तुमने? हमने नहीं रखा, ये अपने आप ही यहाँ रह गया है। ऊट पटांग हरकतें और कूद छलांग मारते रहता है। ये हमारा रिंग मास्टर है और हम इसके जानवर। अगर ये कोई शो ऑर्गेनाइज करेगा ना तो T20 से ज्यादा पैसा कमाएंगे हम लोग, देख लेना। ये कुछ भी बोल रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा इंसान है, मेरी बहुत मदद भी करता है। चलो ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। ठीक है। अब ये आदि मानव मुझे जमुरा समझ के नचाएगा। आ जाओ। ये आके क्या करेगा? आओ ना, कुछ काम कर लेगा। वेगस मजेदार जगह है, अगली बार हम साथ में चलेंगे। अरे सनरूफ क्यों खोल दिया तुमने? अगर नहीं खोलती ना तो ये तोड़ देता। हेलो हेलो, काव्या से बात हो रही है मेरी? हाँ बेटा काव्या, मैं तुम्हारा कमलेश चाचा बोल रहा हूँ। मैं आया था तुमसे मिलने ऑफिस में, लेकिन मुझे तुम्हारे सिक्योरिटी वालों ने अंदर नहीं आने दिया। हेलो, तुमसे एक बार जो कहा समझ नहीं आया क्या? मुझे अपनी बेटी से बात करनी है। देखो, आज के बाद काव्या को फोन करने की कोशिश की या उसके ऑफिस के आसपास नजर आए तो अंदर करवा दूंगा। देखो, मैं जो कह रहा हूँ वो एक बार सुन। कह रहे थे मेरे चाचा है। ये सिर्फ तुम्हारे चाचा नहीं है, ये तुम्हारे पापा के खूनी भी है, इन्हें जेल भी हो चुकी है, तुम्हारी जायदाद पर नजर है इनकी। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग सर। ए, ये कौन है? कोई नमूना लग रहा है। ए, तो यहीं रुक। तुमसे शादी करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे भी तुमसे शादी करके कोई ऐसी खुशी नहीं मिल रही है, कोस रहा हूँ मैं अपने नसीब को। दिखा दिया ना अपना असली रंग, अपने माँ बाप की भाषा बोलने लगे तुम। ए, मेरे माँ बाप को बीच में लाया, तेरी इतनी जरूरत? क्यों, क्या मुझ पर हाथ उठाओगे? बुजदिलों की तरह क्या धमकी दे रहे हो? ए, अपनी जबान पे लगाम दे। मुझे तमीज मत सिखाओ, पहले खुद तमीज सीख कर आओ। पता नहीं कौन सी मनोज गई जिस वक्त मुझे प्यार हुआ। ऐसे क्या देख रहा है? अरे हाथ छोड़ो। ए साहब, हाथ छोड़ो, मेरे बाप को बुला रही है। छोड़ो साहब, वो मेरे साहब को। वासी कहाँ थे? कब से तुम्हें ढूंढ रही थी मैं। पिछले 15 दिन तुमने मेरी बहुत मदद की, ये रही तुम्हारी तनख्वाह, लो। ए काव्या, अरे पकड़ो ना। पैसे पैसे कहते हैं हाँ, ये पैसे हैं। पैश हाँ पैश मैम साहब, क्या ये सब भी रोज ऑफिस आएंगे? क्यों? वो इनके हुलिया और इनके बर्ताव से ऑफिस के सभी लोग डरने लगे हैं, कहीं है उनको तीर न मार दें। अगर ये रोज ही ऑफिस आएंगे तो आप इन्हें कहाँ बिठाएंगी? आपके सर पे। प्यारा तो हर जानवर लगता है, उसे चिड़िया घर में जाके देख लेते हैं, उसे घर में पाल तो नहीं सकते ना। तुम इतना चिढ़ क्यों रहे हो? वो हम जैसा नहीं है काव्या।
आग लग गई, ऑफिस में आग लग गई। जल्दी यहाँ से निकलो। अरे जंगली रुक जाओ, क्यों कर रहे हो ऐसा? मेम साहब ये सब करने से रोकिए इसे, सारे जरूरी कागजात और पैसे भी जला दिए इसने, एसी भी चल रही है, अब आप ही बताइए क्या करें। ये पैसे जला रहा है, इसे पैसों का मतलब नहीं पता, इसके हाथ में पैसे क्यों दिए तुमने? मेम साहब आपसे दरख्वास्त करता हूँ, इसे आइंदा ऑफिस मत लाइए। क्यों हीरे की अंगूठी के बदले टिकट दे दिया? उनके पास पैसे नहीं थे साहब। क्या कहा, मजाक बना रखा है? अंदर कर दूंगा तुमको। साहब अगर इस उम्र में कैद हो गई तो बची कुची जवानी बर्बाद हो जाएगी। कहाँ गए वो लोग? चेन्नई साहब। इसे आने दीजिए, ये मेरे साथ है, आ जाओ। खालो खालो। ए ये ले ये ले। आश्कर। अरे काव्या। हे। इस तरफ इस तरफ। आ जाओ। ये। आ जाओ। ए ए। अच्छा यहाँ क्यों लेकर आ गई? क्या? ए कुछ नहीं। पहचाना क्या इसे? याद आया। ये देखो बेचारे को फटे हुए कपड़े दे दिए। अरे ये फटा हुआ नहीं है, ये जमाने का फैशन है, पियोगे? क्या यार? ठीक है ठीक, बुरा मत मानना। इस आदिवासी की खूबियां देखेगा, अभी गुलाटी मार के दिखाएगा। ए उछल, कूदना आता है, उछल। गुर किसको रहा है? छड़ी लेके आऊं क्या? विकी ये क्या कर रहे हो? ये किस तरह से बात कर रहे हो? तमीज नहीं है क्या? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये कितनी बदल गई है, मैं घर जा रही हूँ। आ जाओ वासी, चलो यहाँ से। काव्या ये जंगली कितना खाता है, कपड़ों तक में बाहर आ रही है, धो धो के पागल का बोला। वहां क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना। आ गया। तुम यही सोना आज से। दूर मत ना मारूं। जंगली बिल्ले, यहाँ रोशनी ही रोशनी है, नो अंधेरा। ये है ये पंखा है, इस पे कूद जाना। वो है एसी, तेरी एसी की तैसी। वासी खिड़की क्यों खोल रहे हो, एसी चालू है। अरे मेम साहब इसकी बदबू बाहर ही रहे अच्छा है, नहीं तो हम भी सो नहीं पाएंगे। सर लिबास से तो ये कोई बड़े शहर के लगते हैं, ये तस्वीर शहर के सारे पुलिस स्टेशन में भिजवा देता हूँ, आप बेफिक्र रहिए सर। हाय विकी। कल रात जैसा मैंने किया मेरा वो बर्ताव ठीक नहीं था। कोई बात नहीं, मैं भूल गई, तुम भी भूल जाओ। अच्छा कल पापा यूएस से आ रहे हैं। मतलब काम खत्म हो गया है? हुआ तो नहीं है फिर भी आ रहे हैं। तुम्हारा बर्थडे जो आ रहा है। वो तो पता है। इस साल का बर्थडे खास होगा। वो क्यों? सरप्राइज। ओके। ऑफिस चल रही हो? हाँ थोड़ी देर में जाऊंगी, अभी नहाने जा रही हूँ। कौन है? तुम अंदर कैसे आए? तुम भी बाकी मर्दों की तरह ही निकले, दिखाई दिया अपना असली रंग, पता नहीं क्यों लेकर आई तुम्हें।
बाहर जाओ, निकलो यहां से, मैंने कहा जाओ, निकलो निकलो। विकी यहां आओ, कहां हो तुम? एक मिनट मेम साहब, आप गलतफहमी का शिकार हैं। इस जंगली का कतई कोई दोष नहीं है, गुनेगार कोई और है। आइए सच बताता हूं, अपनी हद में रहे। अरे देख मैं तुझसे कह रहा हूं, जंगली कहीं के। अरे तब तरीके तुम अंदर कैसे आए? तुम भी बाकी मर्दों की तरह ही निकले। यही वो सच है, हमारे जैसे इंसान भी जंगली होते हैं और हर जंगली जानवर नहीं होता। वो लोग हमें अपनी जमीन नहीं देंगे मैडम, वहाँ काम शुरू करने में दिक्कतें आएंगी। बकवास बंद करो, तुम अपनी हद पार कर रही हो। क्यों ना पार करूं हद, तुमने मुझे परेशान जो करके रख दिया है, बस अब बहुत हो गया। ए, तुम्हारा ये अहंकार ही हमारे बीच आ रहा है, समझी? मेरा नहीं तुम्हारा अहंकार। अगर ऐसी बात है तो अकेले रहो, मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है। ठीक है, मैं अकेली ही खुश हूँ, मुझे तलाक चाहिए। यहाँ पे क्यों खड़ा है, फिर से लड़ाई की क्या? अरे कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं है। तुझे एक मस्त कॉफी पिलाता हूँ। हाँ यार, मूड फ्रेश हो जाएगा। और क्या वासी, चलो निकलते हैं, आ जाओ। क्या चला है तुम पे? हाँ ठीक है, पर घूमो घूमो दासी, पलटो। हाँ रास्ते से, क्या चाहते हो तुम? कोई है? कोई है? ये आदमी मुझे परेशान कर रहा है। तुम पागल हो क्या? हे, हटो सामने से। क्या क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, बचाओ वासी, ये आदमी मुझे लेकर जा रहा है, बचाओ कोई। वासी ये क्या कर रहे हो? मुझे क्या कर रहे हो? छोड़ो। ए वासी सुनो, रुक जाओ। ए छोड़ो मुझे, तुम्हारी शिकायत करूंगी। बहुत अड़ाया, चला पुलिस थाने, पुलिस देखेगी तुझे। सर इसे छोड़ दीजिए, ये तुम्हें इसने कुछ नहीं किया है। मुझे भी नहीं मालूम, कोई सर देखिए, ये मेरे यहाँ ही काम करता है, ये मसला मैं सुलझा लूंगी सर, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, इसे माफ कर दीजिए सर। ये मेरी बीवी है, तुम ठीक हो? हाँ, मुझे माफ कर दो। माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए, दरअसल मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाया, इसलिए हमारे रिश्ते में ये दरार आ गई। मैं सिर्फ फोन पे बुरा भला सुनाता रहा। नहीं, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी भी थी, जो मुंह में आया वो बोल दिया। ओह, तो इसके लिए इसे उठाकर लाया था। एक दूसरे को वक्त न दे पाने की वजह से मियां बीवी में अक्सर झगड़ा हो जाता है। अपनी बीवी को थोड़ा वक्त दीजिए साहब, तो ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। नियत तो तेरी अच्छी थी, पर ये सही तरीका नहीं है। अच्छा है सुलह हो गई। नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं। क्या माफी मांग रहे, गले लग जा।
बेटा काव्या, मैं तुम्हारा कमलेश चाचा बोल रहा हूँ। मैं आया था तुमसे मिलने ऑफिस में, लेकिन मुझे तुम्हारे सिक्योरिटी वालों ने अंदर नहीं आने दिया। मुझे तुमसे मिलना है बेटा। आओ बेटा, लक्ष्मी देखो हमारे घर कौन आया है। आओ बेटा बैठो। मेरे पापा को क्यों मारा आपने? उसे कैसे मार सकता हूँ, वो मेरा भाई था। उसकी मौत एक हादसे में हुई थी, उसे कत्ल बताकर मुझे फंसा दिया। लेकिन मैं निर्दोष था ये साबित नहीं कर पाया, सबूत मेरे खिलाफ थे। दुनिया तो यही समझती है कि मैंने ये सब कुछ जायदाद की लालच में किया, लेकिन सच ये है कि ना मैंने अपने भाई का कत्ल किया और ना ही मुझे जायदाद का हिस्सा चाहिए। लेकिन किस्मत में जो लिखा है वो तो होकर रहता है। मैं बस अब ये चाहता हूँ कि तुम मेरा यकीन करो और अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि मुझे अपने भाई की जायदाद में से कोई भी हिस्सा चाहिए। तुम्हारे पापा के अधूरे सपनों को मैं पूरा करूंगा। तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारा चाचा है, तुम्हारी चाची है, और इधर आ बेटा, इधर आ, ये देखो, दो 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 छोटी बहनें हैं तुम्हारी। तुम अपने आप को बिल्कुल अकेला मत समझो, मिलो अपनी दीदी से। दीदी करती हूँ। आपका एक्सरे निकालो। जी सर। इसके हाथ में छोटा सा फ्रैक्चर है, हाँ। तो इलाज में थोड़ा वक्त तो जाएगा। एक काम करो, उस लड़की से उस मरीज के सारे कागजात ले लो। उसे कुछ दिन के लिए यहाँ हॉस्पिटल में रखना होगा। इसे देखकर मुझे थोड़ा शक हो रहा है, शायद पुलिस इसकी तलाश कर रही है। एक काम करो, उस लड़की को घर भेज दो। ओके ओके सर। सर, इस पार्टी की कोई खास वजह? हाँ, आज काव्या की सालगिरह है और साथ में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है 2000 करोड़ का। काफी दिक्कतें आईं, पर हमें मिल गया। क्या बात है, इसके साथ कोई नया प्रोजेक्ट? और जल्दी हम सोने के खदानों पर काम शुरू करेंगे, मतलब हम लोग इस देश के टॉप बिजनेसमैन होंगे। मुनाफा ही मुनाफा। और पापा, और वो बात कौन सी? इसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। जाओ जाके देखो काव्या का। मैं देख के आता हूँ। काव्या, तैयार हो गई? चलो पहनो। बंदर चाहे कुछ भी पहन ले, मगर रहेगा तो बंदर ही ना। मुझे तो ये बहुत हैंडसम लग रहा है। काव्या, सभी मेहमान आ गए हैं, पापा ने तुम्हें नीचे बुलाया है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। हाँ तुम जाओ, मैं आती हूँ। जानना चाहोगी खास मौका क्या है? क्या है? इसे देखकर गुस्सा आ रहा है मुझे। इसे बेडरूम में क्यों आने दिया तुमने? ए, अंदर कैसे आया तू? बाहर निकल, चल भाग। विकी, आवाज चढ़ाने की जरूरत नहीं है। काव्या, इसे कमरे से बाहर निकालो, मुझे अकेले में बात करनी है। पासी,
तुम नीचे जाओ। बोलो क्या बात है, दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? पापा एक ऐलान करने वाले हैं। किस बारे में? वो हमारे बारे में। हमारे बारे में क्या, खुल के बताओ। हमारे रिश्ते के बारे में। हमारे रिश्ते के बारे में क्या? वो हम एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, इसीलिए पापा ने सभी रिश्तेदारों को बुला लिया है। आज वो सबके सामने हमारी सगाई का ऐलान करने वाले हैं। तुम्हारी और मेरी सगाई? तुम होश में तो हो ना? मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया। ये क्या कह रही हो तुम? तुम ही कहती थी कि मैं तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता हूँ। तुम्हें मैं बहुत पसंद हूँ। विकी पसंद करती हूँ लेकिन प्यार नहीं करती तुमसे। तुम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हो। तुम मुझसे प्यार नहीं करती? तुम्हारे लिए कभी वैसा फील ही नहीं किया मैंने। काव्या, मैंने तुम्हारे साथ बहुत सपने संजोए हैं। पापा भी हमारे रिश्ते से बहुत खुश हैं। अब तुम मना करोगी तो उनका दिल टूट जाएगा। प्लीज काव्या, इस शादी के लिए हाँ कह दो। मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तुम भी मुझे पसंद करने लगोगी। मान जाओ काव्या, तुम मुझे ठुकरा कैसे सकती हो? विकी, तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? प्यार नहीं है तुमसे। अंकल को जाकर सब सच बता दो, वो समझ जाएंगे। और प्यार की बात अपने दिमाग से निकाल दो विकी। काव्या, मेरे प्यार को गलत फहमी का नाम मत दो। मेरी बात सुनो, सुनो मेरी बात तो सुनो। कोई है? अरे सुनो तो सही काव्या। मैं कुछ सुनो। वासी, छोड़ो छोड़ो मुझे विकी। विकी तुम जबरदस्ती कर रहे हो। विकी वासी, काव्या अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? विकी, विकी, पापा। बचाओ कोई। ये क्या तो खून लगा है। अरे पापा, सर उठिए सर, चोट तो नहीं लगी? आराम से सर। पुलिस को बुलाता हूँ। पुलिस? नहीं मैम साहब, आप यहीं रहिए प्लीज। अरे अरे कोई रुक से। बस बहुत हो गया। अरे निकालो इसे यहाँ से।
वासी नहीं, वासी नहीं, उसे नहीं। पुलिस को बुलाओ। ले चलो इसे। ले जाओ इसे। कार्तिक को छोड़ दी। ले जाओ इसे यहाँ से। चाहिए प्लीज। बेटे उठ बेटा। बेटा उठ बेटा। प्लीज प्लीज। कार्तिक को जाने दीजिए। चलो जल्दी चलो जल्दी जल्दी चलो जल्दी। कोई गलती नहीं है। चाहिए चाहिए। चलो चलो चलो। ये बेगुनाह है। चलो चलो जल्दी चलो। सवाल के सवाल के। मैडम आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं, पर उसे गिरफ्तार मैंने नहीं किया बल्कि अंडमान की पुलिस ने किया है। कुछ घंटे गिरफ्त में रखने के बाद कानूनी कार्रवाई करके वो उसे यहाँ से ले गए। आप बता सकते हैं कहाँ? अंडमान। क्या हालत कर दी है, कितने लोगों ने मिलकर मारा है इन्हें? एक ही आदमी ने। डॉक्टर साहब ये कब तक होश में आ जाएंगे? रिपोर्ट्स के आने तक कुछ नहीं कह सकता। ठीक है डॉक्टर। राजशेखर जी। हाँ बोलिए डॉक्टर। उनकी हालत तो नाजुक है, उनके पूरे शरीर पर कई सारे जख्म हैं, गर्दन की हड्डी टूट गई है, और अगर वो बच भी गए तो जिंदगी भर सर्वाइकल कॉलर पहनकर रहना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा। साहब माफी चाहता हूँ, कुछ जरूरी कागजात हैं, उन पर आपके दस्तखत चाहिए। वो कागजात काव्या को देता हूँ। साहब मेम साहब तो काव्या जहाँ कहीं भी हो मुझे 7 दिनों के अंदर चाहिए। जाहिर सर। सर बिना एफआईआर के उसे मार दें? जो भी करना संभल के करना, कोई फंसे नहीं। ओके सर। जरा सुनिएगा, वासी नाम के आदमी को गिरफ्तार करके यहाँ लाया गया है, हम मिल सकते हैं? आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, यहाँ किसी को नहीं लाया गया है। इंस्पेक्टर ने यही कहा था। अरे वो जो सांप खड़े, उन्होंने उसे गिरफ्तार किया था। ए, एक बार कहा समझ में नहीं आ रहा है, चलो निकलो यहाँ से। आप उस इंस्पेक्टर से यही का पता मिला है हम लोगों को? तो मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? पुलिस वाले से सवाल पूछ रहे हो? चलो निकलो यहाँ से। तो सवाल लिखे मुझे। देखिए हाथापाई मत कीजिए, हमारी बात सुनिए, हमें मालूम है कि वो यहीं पर है। जो भी हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, वो मेरी गाड़ी से टकरा गया था, इसीलिए इलाज के लिए मैं उसे चेन्नई ले गई। वो बहुत मासूम है, वो बेकसूर है सो। आप उसे रिहा कर दीजिए, मैं उसे लेने आई हूँ। मेम साहब मेहरबानी करके मेरे साथ जुबान मत अड़ाइए, चले जाइए, निकलो जाओ। मैं उसे लेकर ही जाऊंगी। आप कैसे लगा आपने? देखो शांत हो जाओ, शांत हो जाओ जंगली शेर, देख शांत हो जा, बस बर्फ ला के रखता हूँ तेरे मदद पे। गोली मत चलाइए। वासी वासी यहाँ आओ, वासी चलो। मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। जंगली बिल्ली के साथ कहाँ तक भाग?
आ गया है। ए, उसे देखा? निकल, निकल, निकल। लड़का लड़की को भागते देखा क्या? नहीं देखा साहब। ए, वो रहा उस ट्रक में। आगे के ट्रक को रोको। पकड़ो उन्हें। पकड़ो। चलो। जल्दी उतरो। चलो। चल छूट ले, छूट ले। भाग लेना भाई। पकड़ो उसे। चलो। भाग ले, भाग ले। रुको, रुको। जल्दी भागो, जल्दी भागो, जल्दी भागो। अलग की रेत से भागते वैसे भागो। पकड़ो। क्या हुआ, रुक क्यों गए? तो चढ़ गया था। हाथी बुरी तरह पीटे। तो उनकी जान बचा पाओगे। जारा, तुम जिंदा हो? आप वासी को पहचानते हैं क्या? इसका नाम वासी नहीं, जा रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लोग यही दौड़ लगा रहे हैं, पर ऐसा नहीं। जिस तरह बड़े शहरों में दौड़ के मुकाबले होते हैं, उसी तरह इनके यहाँ भी अलग किस्म के दौड़ के मुकाबले होते हैं। इन सब की नजर पेड़ पर लटक रहे मधुमक्खी के छत्ते पर है। जो पहले उसे हासिल करेगा, जीत उसकी होगी। और जीतने के लिए ये लोग भी थोड़ी बहुत चीटिंग करते हैं। कहते हैं ना, प्यार और खेल में सब जायज होता है। मुकाबला जीतने वाले को बहुत इज्जत मिलती है। ये उत्ते
मोसे। अरे तुम्हारी स्कर्ट बहुत अच्छी है, तुम्हारी यहाँ ऐसी नहीं मिलती। दो ना पे देखो कितने सारे कपड़ा बैठे हैं, क्या तुम बोल सकते हो? पता नहीं कहाँ चल गया। देखो अरे लो ये ले, ये ले इधर आ, खाना देता हूँ। ले ले ये ले, खाना ले ले, आ जा इधर आ। अरे यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये लो मैं भी देता हूँ। अरे सुनो, शहर में रहने वाले इंसानों और इन वनवासियों में ज्यादा फर्क नहीं है। खुशी, गम, जज्बात, प्यार सब एक जैसा है और इनके खेल भी ज्यादातर एक जैसे ही होते हैं। ये है इनकी कुश्ती का खेल, जो हमारी कुश्ती जैसा ही है। इनकी कुश्ती और हमारी कुश्ती में बस एक छोटा सा फर्क ये है कि यहाँ एक खिलाड़ी अकेले बहुत सारे खिलाड़ियों का सामना करता है और इस खेल में जो खिलाड़ी जीतता है वो इस कबीले का सरदार बनने योग्य हो जाता है। एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक ये माना जाता है कि इस टापू पर 10,000 टन सोने और 1,00,000 टन तांबे के भंडार मौजूद हैं। राजशेखर ने अमेरिका माइनिंग कंपनी के साथ 2,000 करोड़ का एक सौदा किया है और सरकार से इस टापू का 200 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका लीज पर लिया है। हालांकि ये वनवासी इस टापू पर बरसों से बसे हुए हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में इनकी मौजूदगी ना होने की वजह से इन्हें संरक्षण नहीं मिल पाया और इसी बात का फायदा राजशेखर उठा रहा है और इन्हें यहाँ से भगाने का मंसूबा बना रहा है। अपने अस्तित्व को खतरे में देख ये वनवासी इनका विरोध कर रहे हैं। भागो! अरे तू यहाँ से! ये लोग रुकने नहीं वाले। निकलो यहाँ से! पहले आप चलिए यहाँ से। चलो चलो चलो!
लड़ाई चलता रहा तो हम काम कैसे करेंगे? वनवासी ने नाक में दम कर रखा है, जब तक वो वहाँ है हम काम को अंजाम कैसे देंगे? कुछ कीजिए। हर बार बहाना बताकर कितनी छुट्टियाँ लेते हो? घर में सच में कुछ दिक्कत थी साहब। यहाँ पे दिक्कतें कम है क्या? अवलंगड़ी में इनकी करोड़ों की लागत हो गई है, जल्द से जल्द इन्हें माइनिंग का प्रोजेक्ट शुरू करना है, लेकिन वहाँ के वनवासी इनके रास्ते का रोड़ा बने हैं। उनकी जबान जानने वाले किसी को अपने साथ ले जाओ, प्यार से समझाने की कोशिश करो, अगर ना माने तो डंडे मारकर खदेड़ दो वहां से। बात करो कंटे मित्रा, तो गो सारा दोगो सारा बोरा दौड़िया ताओ दे जो से बरगवा सम दम जिकर पारा भीमेल पारा तुम्हा को जिप्रावा तुम खामे मापो। ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग ये जगह खाली नहीं करेंगे, ये लोग यहीं पर पैदा हुए हैं, ये जंगल ही इनका घर है, तो ये लोग कहीं नहीं जाएंगे। पुलिस वालों के सामने इतनी अकड़, कहो कि इन्हें अगर अपनी जान प्यारी है तो एक घंटे के अंदर जगह छोड़ दें। काराजू कारो तो रे कारू जुरू तेरे तेरे तरबा। कोई नहीं इमरान ने लूटा, तेरा बोले ना बे सुना बे टांगे इनके खुरा। एक घंटा तो क्या, अगर आप इन्हें एक महीने की भी मोहलत दो तब भी ये लोग यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। अगर आप लोगों ने जिद नहीं छोड़ी तो आप सभी को इसी जंगल में दफना देंगे। तेरी इतनी मजाल, पुलिस को धमकी देता है। ए, कोई ना बचे, सबको मार दो। पापा, पापा, मेरी बच्ची, गोली मत चलाना। तुम यहाँ कैसे आई? एक टाइगर मुझ पे कूदा और ये अंकल ने मुझे बचाया। बहुत मन्नतों बाद हमारे घर में ये परी आई, पता नहीं मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुका पाऊंगा। शुक्रिया। तुम्हें जमीन खाली करने भेजा था और तुम मुझे उन जंगलियों की दास्तान सुना रहे हो। साहब उन्होंने मेरी बच्ची। खामोश हो जाओ, फर्ज और जज्बात को मिलाओ मत। माफ कीजिए, जल्द से जल्द उस जगह को खाली करवाओ। अब जाओ माइकल को इत्तला करो। ठीक है साहब। हेलो कंट्रोल रूम। Oh!
तो ही इनकी जान बचा पाओगे। ये लो सभी जा रहा। मैंने सोचा पुलिस ने इसे फरार ऐलान करके इसे मार दिया होगा, और मैंने उस बात पर यकीन कर लिया। इसे जिंदा देखकर खुशी हुई, सुकून मिला मुझे। बड़े साहब, इसके अपने लोग कहां पे हैं? सुना है ये नहीं मलई में है। सरदार ना होने की वजह से उन्हें किस राह पर जाना है ये फैसला नहीं कर पा रहे। तुम्हारा यहां रुकना ठीक नहीं। अगर ये अपने कबीले तक पहुंच पाया तो उन्हें नई जिंदगी मिलेगी। भीम साहब, इनका कहना ठीक है, ये जंगल है ना, ये अपना रास्ता खोज लेगा। हम लोग वापस चलते हैं। मैं वापस नहीं जाऊंगी। अब तक इसका साथ दिया है तो आगे भी दूंगी। इसको कबीले तक पहुंचा कर ही रहूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। कबीले के लोगों को इसकी जरूरत है, मैं वासी की मदद करूंगी। भीम साहब, ये क्या नादानी है? अगर तुम्हें नहीं आना है तो जाओ, मैं अकेली काफी हूँ। नहीं नहीं साहब, मैं अकेले कैसे जाऊंगा? मैं आपको वासी अब चले। वासी, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। ये नादानी में मुझे साथ देना पड़ेगा। मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो अकेला हूँ। भीम साहब, घने जंगल में कहाँ जा रही है? उड़ उड़ के देखिए, उड़ उड़ के नहीं। सिग्नल ही नहीं मिल रहा है, अंकल को कैसे इत्तला करूं? सिर्फ शेर मिलते हैं, सिग्नल नहीं। तरह तरह के पशु पक्षी मिलते हैं, सिग्नल नहीं। उस वनवासी ने काव्या को अगवा कर लिया। काव्या कोई जाहिल लड़की नहीं है कि किसी वनवासी के साथ चली जाए। पता है उस आदमी ने मेरे बेटे का क्या किया? गौर से सुनो, सिर्फ एक दिन का वक्त देता हूँ। जैसे भी हो काव्या को ढूंढ निकालो, चाहे तो जंगली को मार दो। सर, हमारा भी यही इरादा है। साहब, वो जंगल बहुत घना और बड़ा है, उसे ढूंढने के लिए क्या चाहिए तुमको? आप लोगों को हेलीकॉप्टर चाहिए? किसका परमिशन चाहिए? यहाँ के राज्यपाल से, किसी मंत्री से? मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए। इस जंगल की हरियाली और हरारापन एक जैसा ही दिख रहा है। अब
इस जंगल में कहाँ होगा इस जंगली का कबीला? कौन बोला? शायद इसके कबीले के लोग वहाँ रहते हैं। वाह, ये तो इतना आसान था। दुनिया गूगल करती, ये तो ईगल करता है। मैम साहब, दस मिनट में ये पहुँच जाएगा और एक घंटे में हम लोग घर पे वापस पहुँच जाएंगे। चाय पी के निकलते हैं। चलिए चलिए चलिए, आइए। पांडे, बकवास मत करो, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। अरे कोई बच्चा थोड़ी है जो छोड़ देंगे। अरे ये हमको ले जा रहा है या आप इसे ले जा रही है? मैडम रुक जाइए, इतना हॉप कीपिंग जब मत कीजिए। ये सूर्य प्रकाश है, ये कमांडो है। डीप फॉरेस्ट ऑपरेशन इनकी खासियत है। जबरन घुसाए नक्सलवादियों को जंगल से इन्होंने ही खदेड़ा था। वनवासियों के लिए ये जंगल उनका घर है सर। उनका पता लगाने के लिए उनके जैसे ही किसी को ढूंढना होगा। कोई और रास्ता है? 1,00,000 कदम चलने के बाद भी हम लोग कबीले तक नहीं पहुंचे। ये कबीला इसी पृथ्वी पर है कि कहीं और? अरे कि जाम है ये। पांडे, तुम आए ही क्यों? नौकरी में आना पड़ा, पापी पेट का सवाल है। तुम्हारी वजह से हमें वक्त लग रहा है। उसका मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं जितना चला हूँ अपने पैरों पर पूरी जिंदगी भी नहीं चला। इसकी तरह मैं हवा से बातें नहीं कर सकता। मजाक था, हर बार तो घूमने लग जाता है। मैं तेरी अनारकली नहीं हूँ। ऑपरेशन जीरो, इस जंगल के अंदर आने और बाहर जाने के लिए सिर्फ 3 रास्ते हैं। पहाड़ी इलाके से, जंगल से या पानी से। जंगल काफी बड़ा है तो हम टीम को 3 हिस्सों में बांटेंगे। एक टीम पानी के रास्ते से जाएगी, एक पहाड़ी इलाके से और एक मेरे साथ जंगल से जाएगी। और इसी तरह हम उन तक पहुंच जाएंगे। हम 3 रास्ते ले रहे हैं तो किसी न किसी रास्ते पर तो वो हमें मिल ही जाएंगे। मुझे यकीन है कि ये मिशन कामयाब होगा। हाँ तो खड़े क्यों है? अरे कबीला कब आएगा? जब ये जमीन खत्म हो जाएगी तब। मेम साहब, मुझे भी उठाइए। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। क्या चाहिए? ऑमलेट ख्यालों में है, पनीर झाड़ पे उग रहा है, बाकी सब ऑर्डर कर देंगे। अब घर पे थोड़ी ना है जो आपको खाना लाके दे सकता हूँ। अभी शिकार करके खाना पड़ेगा। कबीले वाले भैया, मदद कीजिए मेरी। देखिए, इससे पहले कि चील, कौवे, शेर, चीते हमें खा जाए, हमारे खाने का बंदोबस्त कीजिए जैसे हमने आपका किया था। ऊपर देख के टकार भी मारी थी। देखिए, हम आपके मेहमान हैं, ठीक वैसे ही आप हमारे घर पे मेहमान थे, इसलिए हमारी मेहमान नवाजी कीजिए। ऐसे मत घूरिए, दीदे बाहर आ जाएंगे। मेरा चेहरा इतना खूबसूरत नहीं, मुझे मत ताड़िए। वासी, कुछ खिलाओ ना। सोच मत, ला ले, खिला दे। ऊपर वाला तुझे बहुत कुछ देगा, खिला दे। वहाँ कोई होटल है क्या? वाह, क्या बात है। यहाँ पैसों का कोई काम नहीं, हीरे जवाहरात भी काम नहीं आएंगे, बस इस जैसा कोई नूर काम आएगा। ये ब्लूबर्ड यहाँ क्या कर रहा है? अरे निकल यहाँ से, ये मेरी जगह है। अरे उड़ जा, उड़ जा। उड़ता है कि नहीं? उड़ जा बेटा, जब तक मैं यहाँ हूँ तू यहाँ मत उड़ना। अरे क्या कर रहा है? यही आ रहा है। वो कोई चिड़िया नहीं है बल्कि कैमरा है। कैमरे की शक्ल ऐसी थोड़ी होती है मेम साहब। वो मिल गए, उनका पीछा करो, उन्हें कहीं जाने नहीं देना। जी सर। पांडे चलो उठो, कोई हमारा पीछा कर रहा है। लगता है उन्हें शक हो गया, उनके पीछे ही रहना। जल्दी उठो, चलो। वो हाथ से निकलने नहीं चाहिए, कैमरा उन पर ही रखो। चलो निकलते हैं। भाग रहे, पीछा करो, तो कैमरा उन पर ही रखना, बचने नहीं चाहिए। जाओ जाओ जाओ, पीछे जाओ। वो हमारे करीब है, तुम्हारी नजर उन पर ही रखना। टीम टू, मेरी बात सुनो। हाँ हाँ, टीम टू बोल रहा हूँ। वो लोग मिल गए हैं, पूर्व की तरफ भाग रहे हैं, उनके पीछे जाओ। हाँ, वो तुम्हारी तरफ ही आ रहे हैं, आगे बढ़ो।
इंसान हमें गिरफ्तार करने मिल रही है नहीं। कहाँ गए वो लोग? नजर क्यों नहीं आ रहे? सर, मैं भी उन्हीं को ढूंढ रहा हूँ सर, वो दिख नहीं रहे। वो लोग यहीं कहीं हैं, ढूंढो उन्हें, जल्दी करो। सर जरा ऊपर देखिए। धत तेरी। टीम टू कहाँ पर हो तुम लोग? क्या बंगले? वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। टीम टू जवाब दो। कर रहे हो तुम? चलो 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 सर आइए। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी चलो। ये जगह कितनी खूबसूरत है, मन करता है यहीं रह जाऊं। उसे जान से मार देना। जब तुम मेरे साथ होते हो इस जमाने को ही भूल जाती हूँ मैं। उधर और इधर ढूंढो। तुम्हारे साथ बिताया हर पल खास लगता है। जल्दी उतरो, चलो चलो। आ जाओ उतरो, जल्दी। थोड़ी देर पहले वो यहीं था, मैं जानता हूँ वो कहाँ जा सकता है। वासी, इस जंगल में ना गाड़ी है, ना एसी है, ना फ्रिज, ना टीवी, फिर भी इन चीजों की कमी महसूस नहीं हो रही। वैसे एक बात बताऊं, यहाँ मुझे काफी सुकून मिल रहा है, ऐसा पहले मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। वासी,
वो देखो शायद तुम्हारा कबीला वही होगा। आओ हम उन्हें कल सुबह ढूंढना शुरू करेंगे, तब तक यहीं आराम कर लो। चलो चलो यहाँ से वासी निकलते हैं, ये गोली चला सकते हैं। वासी चलो यहाँ से। चलो यहाँ से, चलो मेरी बात मानो, निकलो यहाँ से। हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, चलो नहीं, पकड़ो से पीछे। चलो अभी रुको, आ जाओ आ जाओ, वहां से निशान लगाते हैं। काव्या बहुत खतरनाक है, आप इस तरफ आ जाइए, हम इसे मार देंगे। नहीं, रुक जाइए, क्यों मारना है इसे? मैडम हमें इसे मारने के ऑर्डर मिले हैं, आप इस तरफ आ जाइए। Oh!
अब तो आप समझ गए ना कि काव्या उसका साथ दे रही है। आप चाहे कितने भी बड़े लोगों को जानते हो, यहाँ कुछ काम नहीं आएगा। आपकी बेटी को बचाने के चक्कर में हमारे लोग मर रहे हैं। वो जिस तरफ गया इसका मतलब है अपने कबीले को ढूंढ रहा है। पूरा कबीला चल भी गया तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस मेरी बेटी चाहिए। पर तुम एक काम करो, उसके कबीले को नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं, जो कुछ भी मांगे मैं दे दूंगा। वो बहुत खतरनाक लोग हैं, प्यार की भाषा नहीं समझते। आपको आपकी बेटी सही सलामत मिल जाएगी। ठीक है। अबे जंगली कहीं के, तूने मुझे अकेला छोड़ दिया, मुझे आधा दिन लगा यहाँ आने के लिए। आ जाओ यहाँ आओ। मेम साहब यही है। बैठो। ये क्या मेम साहब, मुझे मरने हाँ। के लिए छोड़कर आप इसे तहजीब सिखा रही है? उस जंगल में मैं 10-10 शेरों से लड़के आ रहा हूँ, अब आगे पीछे से कहीं शेर आके मुझे खा जाए तो। आ जाओ आओ। डरो ना मेरे से। अरे डर क्यों रहे हो, ये फ्रेंडली है, एक बार मिलो तो सही। नहीं खड़ा रहूंगा, मुझे भी पहले ऐसे ही लगा था। आओ पांडे, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? क्या भागने का केस हो? ये पांडे भाग रहे हो? नहीं भाग ले बेटा, पांडे रुको। भागते भागते हम चित्र नगरी तो नहीं पहुंच गए? इतने जूनियर आर्टिस्ट एक साथ? अरे ये तो कबीले वाले हैं। पांडे, अरे पांडे जरा कहाँ है? आप कोना पकड़िए, मैं लाता हूँ। लो आ गए। आपने देखा वासी कितना खुश लग रहा है? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तुम उसे उसके कबीले तक पहुंचाना चाहती थी है ना? लेकिन अब वो कबीला खतरे में है, तुम्हें वापस ले जाने के लिए तुम्हारे अंकल ने पूरी फौज भेजी है। क्या वो भी यहाँ आए हैं? वो भी आए हैं। माइकल इनकी जान लेने किसी भी वक्त आ सकता है और इसकी वजह सिर्फ तुम हो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं चलती हूँ आपके साथ। सही कहा, आप जाइए, वासी को भी साथ ले जाइए। उसका यहीं रहना ठीक है, मेरी वजह से इनकी जान खतरे में है तो मुझे इस मुसीबत का हल ढूंढना होगा। लेकिन क्या ये मुमकिन है? मुझसे ज्यादा वासी की जरूरत कबीले वालों को है, वही उनकी आखिरी उम्मीद है। मेरा प्यार उसे मुसीबत में डालेगा। ऐसा मत कहिए, आप अपने प्यार की कुर्बानी दे रही हैं। पहले तो यहाँ आने का फैसला मुझे गलत लगा, मैं वाकई नादान था इसलिए उसे परख नहीं पाया, लेकिन आपकी कुर्बानी अजीम है। दुआ करूंगा आप अपने मकसद में कामयाब हो, मालिक आप जैसा दिल सबको दे। कावा, मैं बस अभी आई। मेहमा
अभी तक वो हमें नहीं मिला है। जंगल का चप्पा चप्पा छान मारो। हमें वो सुनाई नहीं दे रहा है। समझ गए? सिग्नल हेलो, क्या बोल रहे हो? जब तक हम उन्हें पकड़ नहीं लेते, इसलिए याद रहे, काव्या मैं टीम बनाओ और जाके उन्हें पकड़ो। सर क्या कर रहे हैं? तुम मेरी बेटी से बढ़कर थी, लेकिन उस जंगली ने मेरे बेटे का क्या हाल क्या देखा तुमने? सर क्या कर रहे हैं? आपकी बच्ची कैसी है? आवाज नीचे। नौकर हो नौकर की तरह रहो। सब कुछ तेरा किया धरा है। देखिए खामोश, ले जा उसे। रुकिए, आप ठीक नहीं कर रहे अंकल। जो भी इल्जाम लगाना है मुझ पर लगाइए। आप जानते नहीं उस दिन क्या हुआ था। उस दिन विकी ने एक शब्द और नहीं, तुम्हारे बाप के एक छोटे से बिजनेस को आज मैंने इतना बड़ा किया उस जंगली पे लुटाने के लिए, पागल समझ के रखा है। मेरा बेटा जिंदगी भर के लिए बाएज हो चुका है, लेकिन तुम मेरे बेटे से ही शादी करोगी, उसके बाद भागती रहना जहां जी चाहे। अंकल मैं आपकी हर बात मानूंगी, बस उसे और उसके कबीले वालों को छोड़ दीजिए। कोई बेईमान उनकी जमीन छीनना चाहता है, कोई बड़ी कंपनी है। आप प्लीज पता लगाइए। वो किसी और की कंपनी नहीं है, तुम्हारी है। हाँ सही सुना, और ये है तुम्हारी कंपनी के नए पार्टनर्स, उसी कंपनी की जिसके मालकिन तुम हो, और इन दस्तावेजों पे तुम्हारे दस्तखत हैं। इसी प्रोजेक्ट के लिए मुझे 2 महीना अमेरिका रहना पड़ा। साहब ये तो सरासर धोखेबाजी है। काव्या के मिलने के बाद आपने उनकी जान बख्शने का वादा किया। ज्यादा पक्को मत, तुम पे तो हमें पहले से ही शक था। तुम्हारी वजह से ही कबीले वाले हाथ लगे हैं। जो भी तुमने सुना था वो झूठ था। माइकल मैं यहाँ से जा रहा हूँ, 6 महीने में काम पूरा करो, जो बीच में आए मार दो। चलो। जी सर। अंकल, अंकल ये बेईमानी है। बंद कीजिए सर। अंकल। बेटा। जाने दीजिए। अंकल प्लीज। गलत है। बेटा वहाँ बंद कीजिए। मुझे जाने दीजिए। अंकल छोड़िए मुझे। धोखे से मेरे दस्तखत किए हैं, छोड़ दीजिए मुझे। अंकल गाड़ी रोक दीजिए। रुक जाओ। बचाओ मुझे मासी।
इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं इसे छोड़ देता हूं, तुम चलो। आप इसकी जान बख्श रहे हैं, इसने आपको जिंदा छोड़ा है, वो भी सिर्फ मेरे कहने पर। काव्या, ये सब तो तुम्हारे लिए किया बेटा, ये बिजनेस तुम्हारा है, कारोबार तुम्हारा है। इस कारोबार को ऊंचाई पर देखना सिर्फ आपका ख्वाब है, मेरा नहीं। आपने मेरी परवरिश सिर्फ पैसों के लिए की थी, आपको मेरी दौलत चाहिए, बस अब और नहीं। आपको जो चाहिए ले लीजिए, ये कंपनी, मेरी जायदाद, लेकिन ये जमीन मेरी ही रहेगी। यहां पर क्या होगा और क्या नहीं होगा, इसका फैसला मैं ही लूंगी, समझ गए? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? वो भी इस वनवासी जंगली के लिए? ये जंगली है, पर इसमें आपसे ज्यादा इंसानियत है। जंगली तो आप हैं, जो पैसों के लिए इंसान को ही बेच देते हैं। एक इंसान होकर भी आप दूसरे इंसान को नहीं समझ सकते, जो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। काव्या, दफा हो जाइए। एक बार में सुनाई नहीं दिया, निकल जाइए।